तो ये है डिजीटेक का माइक, ठीक है, ये ट्रांसमीटर है, और अभी फ़ोन के पीछे लगा हुआ है इसका रिसीवर, और एक मैंने हैंग कर रखा है इसका एक और ऐसा ही सेम ट्रांसमीटर, ठीक है। इसके साथ मिलती है ये 3.1 mm का जैक के साथ टाइप सी, ठीक है, ये आता है DSLR के लिए जो कनेक्ट करने के लिए होता है, ठीक है। और ये है एक, ये भी इसलिए है क्योंकि ना आप अपनी आवाज़ सुन सको अपने कानों में कि कोई और दूसरा ना सुन सके, ठीक है। दो दे रखी हैं इसमें, ठीक है, और ये दे रखी है केबल, ये भी टाइप सी टू टाइप सी है, एक्स्ट्रा दे रखी है, एक हमने लगा रखी है, ठीक है। और ये एंड्रॉयड के लिए है, जो सैमसंग वाले फ़ोन है, जो पुराने वाले जैक हैं उनके लिए, ठीक है। और इसका बॉक्स है, और ये सारा का सारा इसकी इन्फॉर्मेशन है इसके अंदर। लेकिन हमने जो आप मेरी आवाज़ सुन रहे हो ना, वो इसी माइक से है। आप खुद बताना कैसा आपको ये लगा डिजिटेक का, ठीक है। और बाकी जो इन्फॉर्मेशन है सुनील डाल देगा, और धीरे धीरे आप चैनल में देखोगे ना तो आपको खुद पता लग जाएगा इस माइक के बारे में, ठीक है। तो वेलकम बैक टू सुनील लामिछाने ब्लॉग, स्वागत है आपका अपने चैनल में सुनील लामिछाने ब्लॉग में। तो हमारे साथ आज हम दो यूट्यूबर हैं, और भाई मैं यूट्यूबर नहीं हूँ, मेरे को सिर्फ इसी ने ही सजेशन दिया था, भाई तू अपना चैनल बना ले, क्योंकि तेरा काम ऐसा है, तेरा चैनल चलेगा और तेरा बिजनेस भी बढ़ेगा। तो मैंने इसके कहने पे ही अपना चैनल बनाया है, ट्रस्टेड मोटर्स, ठीक है। तो विजिट कर लेना, ये आपको लिंक दे ही देगा। भाई देखो, जैसा प्यार आप मुझे दे रहे हो ना, जो मेरी फैमिली के है और जो अदर लोग देख रहे हैं, जो अलग देश से देख रहे हैं, कहीं से भी देख रहे हैं, दिल्ली वाले देख रहे हैं, तो भाई जरूर एक बार भाई के पास आओ, और मोटर बाइक साइकिल स्कूटर कार जो भी है भाई सब दिलवा देगा आपको, और ऐसा प्राइस में ना, बढ़िया प्राइस में, जो आपको 1 लाख की गाड़ी होगी ना, वो आपको आराम से आपको मतलब अच्छे प्राइस में आपको इसके पास ना मिल जाएगी। अच्छा, एक चीज़ और थी जो जिसको जिस चीज़ के लिए वीडियो हमने बनाई है, जो चीज़ बताने के लिए आप सब लोगों को, ठीक है, तो अब आपको क्वालिटी कंटेंट मिलने वाला है। इसकी मैं वीडियोस देखता था रोज़, तो उसमें क्या प्रॉब्लम लगती थी मेरे को, वॉइस की, कि यार बहुत ज़्यादा शोर आता था, इतनी अच्छी मार्केट की वीडियो बनाता है ये, इतने प्रोडक्ट्स अच्छे दिखाता है, लेकिन ना वॉइस क्वालिटी लोगों की बहुत ज़्यादा आती थी, इसकी नहीं आती थी। तो अब आपको वो प्रॉब्लम नहीं मिलने वाली। वो पता क्या थी, देखो एक मैंने माइक लिया था, वो 1000 रुपए का था, वो तो वैष्णो देवी जा रहे थे हो गया, एक गिर गया और एक ना वहाँ पे खराब हो गया, तो फिर थोड़ा बहुत पैसों की थोड़ी बहुत दिक्कत होने लगी, थोड़ा हाथ हल्का सा टाइट होने लगा, तो मैंने कहा ये बड़ा ले 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 ले, तो भाई ने ला के दिया मुझे, भाई पागल हो गया भाई। हमने एक दूसरे के, हमारी जो शुरुआत हुई थी लड़ाई से हुई थी, हम स्कूल टाइम से, चैनल कामयाब होना था भाई, जो घूमने वाला बंदा होगा सबसे पहले भाई मेरे साथ ही होगा, और सारा खर्चा, ये तो भाई हो ना हो खर्चा, नहीं। एक बात और अभी बताना चाहता हूँ कि बहुत बड़ी मेरे लिए खुशी आने वाली है, तो वो मैं थोड़े दिन बाद बताऊंगा, तो उसमें भाई जो भी टूर का हो ना भाई, टूर मारेंगे, बट सारा खर्चा भाई मेरा होगा। नहीं होगा एक हफ्ते के अंदर वो चीज हो जाएगी, बट मजा आएगा। तो आज हम माइक का ही दिखा रहे थे कि ये वाला माइक है हमने, तो अभी हम सेट करा, हमने देख देख के बहुत सिंपल। देखो मैं जो इसका जो चैनल है ना, वो मेरा चैनल है, ठीक है, तो मेरे को अपने वाला फील होता है उसके अंदर, मेरे को कमी लगती थी, तो बस इसी वजह से मैंने इसको सजेशन। देखो मेरी जिंदगी का ये रूल है, जो मैंने सीखा ना, देखो मैंने भी अपने मोहल्ले में शिवम नाम का एक लड़का है, तो हमें से बहुत छोटा है वो, तो उससे मैंने सीखी चीज़ें कि भाई कैसे एडिटिंग करते हैं, कैसे डालते हैं। अब वही चीज़ भाई इसने मुझे बोला कि सुनील मुझे ना चैनल बनाना है, मैंने कहा भाई मैं अवेलेबल हूँ, मैं 2 या 3 या 4 बजे इसके पास आया, तो भाई ये उसके बाद ये अपने आप ही सीख गया सारी चीज़ें। हाँ। और भाई मेरे से अच्छे कंटेंट बना रहा हूँ, नहीं। और मेरे को बहुत भाई प्रोफेशनल तरीके से चीज़ें अच्छा लगता है यार। देखो हमसे कोई आगे निकलता है ना, और अपना भाई आगे निकलता है, तो हमें खुशी होती है कि भाई ये बंदा, हम ये नहीं है कि यार उसका इतना आ गया इसका, भाई नहीं, वो जो इसका जो चैनल है वो मेरा, जो मेरा चैनल है इसका। तो हम आज माइक टेस्ट कर रहे थे, बता रहे थे, और बहुत ज़्यादा कंटेंट आपको मिलने वाले। अब चैनल मेरा जो चैनल है ना, थोड़ा सा ना जो टूरिस्ट वाला बनाता था मैं, देखो मैं घूम नहीं सकता हर जगह, हर रोज घूम नहीं सकता, तो मैंने कहा अपने चैनल को हल्का सा चेंज करता हूँ। अब मैं जो भी होगा ना, आपको सदर बाजार होगा, जो भी मार्केटिंग की सारी वीडियो हो गई और अपनी लाइफ भी, तो सब दिखाएंगे। जो वीडियोस आप देख रहे हो ना सुनील के चैनल पे, सुनील लेमन चाने के चैनल पे, तो वो वीडियो ना बहुत अच्छी आने वाली है, क्योंकि जो प्रोडक्ट्स की नॉलेज है ना आपको बहुत मिलेगी, और शायद आपको पता भी नहीं होगा उसका यूज क्या है क्या नहीं है, अब आपको क्वालिटी कंटेंट मिलेगा बस। और अभी इस माइक का जैसे हमने लिया, ये माइक का क्या था, ये माइक का हिसाब था, डिजीटेक का माइक है, और इसका प्राइस है 4,500 या 5,000 के में, ये आपको आपको अमेज़न पे मिल जाएगा। और अगर आप OLX पे देखना चाहते हो, तो वहाँ पे भी आपको नया प्रोडक्ट, हम किसी कंपनी का कोई वो नहीं कर रहे, हम प्रचार नहीं कर रहे, लेकिन आप खुद देखना इसकी वॉइस कैसी आ रही है, और अभी देखो अभी कमेंट भी करना आप इसमें, और अब आगे जो वीडियो आने वाली होगी ना, उसमें आपको खुद पता लगेगा, आपको कल ही वीडियो मिलेगी इस माइक की, बहुत अच्छी वीडियो मिलेगी। तो अब अभी इस माइक का हम बताएंगे भी आपको थोड़ा बहुत, अभी दिखाएंगे भी, अभी नीतीश के घर जाके थोड़ा इसको
थोड़ा सा शूट करेंगे, तो ऐसे ही प्यार देते रहिए। मैंने देखो जो मैं वैष्णो देवी जा रहा था, जब भी मैंने बोला था भाई मेरा चैनल है खुद का ट्रेस बाइक, तो भाई और मेरे काफी भाई और बिल्कुल बिल्कुल खरीदा है, मैंने गाड़ी खरीदवाई है, तो भाई जो भी देख रहे हैं तो भाई जरूर आइयो, विजिट करो एक बार, और चैनल को जरूर एक बार सब्सक्राइब कर देना, मैं लिंक डाल दूंगा, सब्सक्राइब कर दूंगा ट्रस्ट बाइक भाई। अभी 100 सब्सक्राइबर है, इसका मतलब ये नहीं है कि कम है, लेकिन ये 100 को हमने लाख करना है और इसी साल करना है। तो भाई अब तो चलते हैं, ज़्यादा देर नहीं करते, तो मिलते हैं आपसे, और ऐसे ही प्यार बनाए रखना। जय माता की, हर हर महादेव। भाई क्या फिल्म होगी, मैं तो पता